नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चार पांच क्वेश्चन है, उसी में से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा। जो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपको क्या बोलना है पहले, सेकेंड है आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों अगर आप अच्छे से बोल पाओगे वो इंटरव्यूअर को, तो आपका इंटरव्यू वही ख़त्म हो जाएगा और आगे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। ये दोनों चीज़ अगर आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप कितना कैपेबल हो ये फील्ड में। तो बेसिकली दो चीज़ है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबको क्या लगता है कि इसमें क्या बोलना है, कन्फ्यूज सबको होता है ना कि कोई आपको पूछ लेगा कि भाई आपके बारे में आप कुछ बोलो, आपके बारे में आप बताओ, तो आप क्या बता सकते हो उसको। और कोई पूछ लेगा इंटरव्यू, मैं इंटरव्यूअर सोच लो, मैं आपको पूछ लूँगा टेल अबाउट योरसेल्फ, तो आपको लग रहा है ना क्या बोलना है मुझे, कैसे रिप्रेजेंट करे, कैसे आगे जाए, आगे क्या बताए। सबसे बड़ा चीज़ है, मेन चीज़ जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जब तक आप सही से इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे तो कोई इंटरव्यू आपका सक्सेस नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है, उसमें कोई चीज़ नहीं रहता है, बेसिक चार पांच चीज़ रहता है। हम कोई सॉफ्टवेयर का जॉब तो नहीं कर रहे, हम कोर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चार पांच चीज़ के ऊपर फोकसिंग करना है जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं आपका लेवल के हिसाब से या सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से मैं बताऊँगा चार पाँच चीज़। अगर आप मैनेजर हो, AGM हो, हायर पोस्ट में आप जाओगे, आपका जो ये लेवल है और जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कब चेंज होता है, मैच्योरिटी के हिसाब से चेंज होता है, वो कोई बुक में जो लिखा होता है वो नहीं होता है, वो मैच्योरिटी के हिसाब से चेंज होता है। तो मैं आपको जो बताऊंगा कि आपके बारे में आपको क्या इंटरव्यू में बताना है और कैसे वो इंटरव्यू को आगे लेके जाना है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसमें मैं बताया आपको चार से पाँच चीज़ को देखना। पहला क्या है, आपको आपका नाम ही बताना कि माई सेल्फ सुभाष प्रधान हूँ, नहीं तो प्रदीप पाड़ी हूँ, नहीं तो सोनू कुमार यादव हूँ। अगर माई सेल्फ अगर आप बोल रहे हो, हमेशा कोशिश करिए माई नेम इज बोलिए, माई सेल्फ एक कंप्लीट लैंग्वेज के हिसाब से नहीं जाता है। अगर आप कोर टॉपिक में जाओगे तो माई नेम बोल सकते हैं, माई नेम इज हरी राम, ऐसा कुछ बोल सकते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलना है कि बेसिकली I am from UP, I am from उड़ीसा, I am from बिहार, कुछ भी बोल सकते हो। पहला पॉइंट क्या बोला आप, माय नेम इज हरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट I am from बिहार, जो सिंपली लैंग्वेज है वो आप चूज करना, इंग्लिश का जो सिंपल लैंग्वेज है उसको चूज करना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी मत लाना। अगर कॉम्प्लेक्सिटी लाओगे उसमें आपको दिक्कत होगी, वो भी उसी तरीके से पूछेगा। मेन चीज क्या है, अगर कोई चीज में आप कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हो, आप खुद सोचोगे क्या क्या बोलूं। सिंपल अगर कोई भी लाइन आप बोल सकते हो, आप इजी से बोल सकते हो, जो पांच चीज मैं बता रहा हूँ वो पांच चीज अपने बारे में आराम से बता सकते हो, और वो चीज आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो। इंग्लिश में तब बोल सकते हो जब आप सिंपल सेंटेंस आप बता सकते हो। पहला चीज, माय नेम इज हरी, आई एम फ्रॉम बिहार। थर्ड पॉइंट, आपको आपका क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है इसमें आपको मेंशन करना है। आप समझ रहे हो,
I have done BTech in electrical, then I have done PDIs from this university, that university, कुछ भी आपको आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको ब्रीफली उनको बताना है. जितना भी आप क्वालिफिकेशन किए हो वो सब आपको बताना है, मगर वो क्वालिफिकेशन मत बताना जो आपका अभी चल रहा है. आप समझ रहे हो क्या होता है? क्यों बोला? जो चल रहा है नहीं बताना है. अगर चल रहा है तो आप जॉब कैसे कर रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीज, जो क्वालिफिकेशन आप कर चुके हो जिसके वजह से आपको ये जॉब मिला है वो क्वालिफिकेशन बताना है. जो ऑनगोइंग है अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है वो आपको नहीं बताना, सिंपल है. ठीक है, तो आपको बताना है कि आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिस यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी, कुछ भी बताना है. पीडीएस में कहाँ से किया, डिप्लोमा में कहाँ से किया, ये सब आपको क्वालिफिकेशन में बताना है. ठीक है, आपको थर्ड में आपका क्वालिफिकेशन में ही बताना है. फोर्थ में आपको क्या बताना है? फोर्थ में आपको आपका एक्सपीरियंस ही बताना है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोला? फोर्थ में आपको आपका एक्सपीरियंस ही बताना है. आप कहाँ से काम शुरू किए हो, अभी कहाँ काम कर रहे हो, हमेशा बताना. जहाँ से शुरू किए हो वहाँ से बताना कि 2010 से मैं स्टार्ट किया था एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, फलाना ढिंगाना जो भी कंपनी है वहाँ से मैं शुरू किया था मेरा कैरियर. ठीक है, तो अभी मैं रिसेंट यही कंपनी में हूँ, मेरा पोजिशन यही है, मेरा अंडर में 4-5 EHS पर्सन सेफ्टी पर्सन है, नहीं तो मैं 4-5 कोलीग के साथ काम कर रहा हूँ. जो एक्सपीरियंस है आपको पूरा बताना है. आप समझ रहे हो, जो आपका सीवी में होगा वो चीज आप बताते जाइए. ठीक है, जहाँ से शुरू किए हो अभी तक का जो सफर है आपको बताना पड़ेगा और कंप्लीटली बताइए, छोटा छोटा सेंटेंस में बताइए. जैसे मैं बताया कि आई हैव डन बीटेक फ्रॉम डिप्यूटी. हाँ, एक चीज आपको अगर ईयर नहीं याद है, कुछ भी याद नहीं है वो मत बताइए, कोई डेट ईयर ये सब मत बताइए. और आपको आपका परसेंटेज भी मत शेयर करिए. आप अगर आपका परसेंटेज हुई शेयर करोगे कि मेरा 40% में बीटेक पास किया हूँ, 50% से डिप्लोमा पास किया हूँ, अगर आपका परसेंटेज 80-90% है तो आप बताइए. क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हो आपको हाईलाइट कर रहे हो आप कौन सा चीज में हो, क्या किए हो, वो चीज आप हाईलाइट कर रहे हो. तो कोशिश करिए जो भी एक्सपीरियंस आप बता रहे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आइए, और रिसेंट कंपनी में क्या काम कर रहे हो, कितना पर्सन है आपके साथ, वो सब थोड़ा सा अच्छे से बताइए. आप समझ रहे हो? फिफ्थ, क्या हुआ? जरूरत नहीं आपको, आपका मतलब आपका विषय में, आपका टॉपिक, आपका लाइफ में क्या चल रहा है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, अगर बताना है सिंपली पर्सनल लाइफ का टच देना है. ठीक है, मैं आपको बताया था 5 चीज आप कवर करिए, 5 चीज में सिंपली सिंपली सेंटेंस बनाइए, 5 चीज में आपका रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए. इसमें क्या है, आपको ज्यादा टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बताना है इंटरव्यूअर, मुझे अगर कोई पूछ लेगा मैं क्या बताऊंगा कैसे बताऊंगा, ये कभी नहीं सोचना है. आप समझ रहे हो, छोटे बच्चे लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और बताते जाते हैं,
तो आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस लेना है, मैंने जैसे बताया आपको उसी हिसाब से बताना है। पहला क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला क्या आपको देना है, आपका इंट्रोडक्शन में आपका नाम रहना है। सेकेंड, आप कहाँ से वो बताइए। थर्ड, आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन जब बताओगे, ईयर नहीं तो मार्क परसेंटेज ये सब शेयर कर सकते हो, मगर अगर आपका परसेंटेज ये सब अच्छा है तो, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो था आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जहाँ से काम किए थे वहाँ से आप बोलते आइए। और अभी जो रिसेंट कंपनी में आप जो काम कर रहे हो, वहाँ कौन सा पोस्ट में हो, क्या काम चल रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में क्या थोड़ा सा बता दो। आप समझ रहे हो, आप कितना आदमी के साथ काम कर रहे हो वो भी बता दो। आप जो बताओगे कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड में मत बता, सिंपली वर्ड में बता दो, ठीक है। तो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। ये सबको समझ में आया जी सर? इंट्रोडक्शन देखिए, जो भी इंटरव्यू लेता है वो हमेशा प्रिपेयर होके आता है, कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा हम उसको ले लेंगे, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आपके साथ टाइम पास करने के लिए। आप सोच रहे होंगे लेने का मन नहीं होगा इसीलिए नहीं लिए, ऐसा कोई इंटरव्यूअर नहीं करता है। इंटरव्यूअर का माइंड पहले से क्लियर रहता है, लड़का अच्छा है, फंडा पता है, बेसिक पता है, तो वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको उतना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए इंटरव्यू फिक्स कराओ, एचआर से इंटरव्यू फिक्स कराओगे, आपका अपॉइंटमेंट लेगा, फिर एक टाइम सेट करो, लड़के का टाइम सेट करो, हजार काम है उसमें, प्रोसेस बहुत है। कोई भी इंटरव्यूअर नहीं चाहता है किसी बंदे को फेल करने के लिए, मगर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपना जो बेसिक है इंट्रोडक्शन है उनको अच्छे से दें, जो हमको पता है उतना बताएंगे, मगर आपका इंट्रोडक्शन को आप सिंपली रखिए, जितना सिंपली रखोगे तो उतना अच्छा है। क्योंकि अगर हम कॉर्पोरेट में काम तो नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर में तो काम नहीं कर रहे, जैसे हमको विस्तृत में हमको एक देना है इंट्रोडक्शन, हम कोर में काम कर रहे हैं, कोर सेक्टर में काम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल लाइन लेके दो चार पांच चीजें बताना है, उनको अच्छे से बता देना। आपको समझ में आया ना पूरा? जी। पांच पॉइंट में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। Thank you.